नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मैं संतोष कुमार पटेल एक बार फिर आपके धारुल टेक्नोलॉजी इंटरनेट चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम देखते हैं अपनी वीडियो में क्या है। इस वीडियो में बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो में बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो को, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके लिए एक मैथ की ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको पहाड़ा लिखने में बहुत अच्छे से काम करेगी। इसको आप टेबल कहते हैं, जो आप 1 से लेकर के 100 तक टेबल लिख सकते हैं। 100 मतलब कोई भी हो, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, लाइक 21, 23 या कोई भी आपका टेबल हो। आप 1 से 10 तक का टेबल तो याद ही होगा। 1 से 10 तक टेबल अगर आपको याद है तो आप आसानी से किसी का भी टेबल आप लिख सकते हैं, वो भी इस ट्रिक से। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक को देखते रहिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप अगर इस ट्रिक को देखेंगे और समझेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी टेबल होगा, किसी का भी पहाड़ा होगा, तो आप उसको आसानी से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 का टेबल लिख लिया, जिसे आप समझ रहे हैं 1 से 10 तक का, यानी 1, 1, 1, 2 इस तरह से 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 इस तरह से आपको 1 का टेबल लिखना है। सबसे पहले मान लीजिए आपको टेबल 1 से लेकर के 10 तक याद है, तो आपको 9 का टेबल आपको हम लिखने बता रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, तो 9 को आप सब जानते हैं कि सबसे पहले छोटा अंक 0 होता है और उसके बाद 9 होता है। तो 0 से लेकर 9 तक आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती हैं। इन संख्याओं को आप जानते ही होंगे एक क्रम से। तो इस तरह से आप 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका 10 अंक हो गया। आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा 10 तक हो गया है आपका। तो आप इसको 0 से लेकर 9 तक लिखे हैं, तो आपको 0 से लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको 9 तक पूरा करना है। आप 9 तक पूरा कर देंगे, देखिए टेबल 9, 1 जा 9, 9, 2 जा 18, 9, 9, 3 जा 27 यानी 9, 2, 9, 18, 9, 27 हो गया। तो आपका देख लीजिए 9, 1 जा 1, 1 की तरफ 2 जा, आपको इसे 11 लिखना है। 11 लिखना है तो आप 11 देख सकते हैं। 1s पे यहाँ पर 1 है और 10s पर 1 है, यानी कहने के बाद इकाई पर 1 है और दहाई पर भी 1 है। तो आप इसका टेबल लिखेंगे, तो सबसे पहले 1 का टेबल लिखना है। 1 दहाई पर 1 है, यानी 10s पर क्या है 1 है और 1s पर क्या है 1 है। तो 1 का टेबल और 1 का टेबल दो बार लिखना है, कहने का मतलब यानी आपका जो अंक रहेगा उसको टेबल वही अंक लिखना है। आपको आगे बताएंगे किस तरह। तो 11 का है तो आपको 1 का टेबल पूरा हम कर देंगे इस तरह से। 1 का टेबल ये हो गया, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको 10 तक करना है। 1 का टेबल आपका जाएगा तो 10 तक जाना ही है, 10 अंक होगा। अब फिर 1 का टेबल लिखना है ना, तो 1 का टेबल लिख लेंगे। दोनों 1 का टेबल हम लिख लिए हैं, तो इस तरह से दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब आपको उसी उसी के अंक पर डाल देंगे, जैसे देखिए टोटल हो रहा है। और ये 0 लिखेंगे तो 1 और 10 में जोड़ देंगे, तो 10, 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी इतना आपका ये टेबल तैयार हो गया 11। देखते रहिए, मतलब आपको 12 का लिखना हो तो 12 में आप देखेंगे पहला टेबल 1 का हो गया। ये आपका 1 का टेबल लिख सकते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, वही 1 का टेबल, इसलिए आपको टिक लगा के बता रहे कि 1 का हो जाएगा। और चाहे तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका 1 का टेबल हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, 1s पे क्या है आपका, इकाई पे क्या है 2 है ना, तो 2 का भी लिख लेंगे। जो जो अंक रहेगा उसी अंक को हम उसका टेबल लिख लेंगे, क्योंकि 10 तक तो आपको टेबल याद ही होना चाहिए, 10 तक तो याद ही है। तो अब 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 12 इस तरह से आप कर सकते हैं। आप अपना 2 का
टेबल पूरा कर लीजिए 20 तक। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप 1 से लेकर 8 तक टेबल कंफर्म अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर टेबल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हमारा ये जो गलत है, आप पकड़ सकते हैं गलती को, कहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, ये बस ठीक है। अब टेबल ओवर है और अब हम चलते हैं आगे, इसको कौन कर रहे हैं। आपको इसका अंक इकाई का 1 लेना है, इकाई का अंक इधर रख लेना है और जो दहाई का अंक है उसको हम आगे प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो इकाई दहा इकाई है ही, तो 4 लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसमें भी देखिए इकाई पर है 6 और 3। अब इसमें देखिए इकाई दहाई दोनों हैं, यानी 1 और 10 दोनों हैं, 0 0 लिखेंगे 5.6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 4 7 8 हो जाएगा, इस तरह से 6 और 8 9 हो जाएगा। अब इस तरह जोड़ सकते हैं, यानी आपको दहाई वाला अंक उसमें प्लस कर देना है ले जा करके आगे वाले में। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो देख लीजिए ये टेबल आपका 12 का रेडी हो गया, देख लीजिए 12 24 36 तरह से हो जाएगा, और 13 14 15 16 कुछ भी हो आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं 18 का लिखने, आप 18 का एक बार ट्राई करके देख लीजिए कैसे 18 का लिखते हैं। आप 18 को देख सकते हैं, 18 में आपको एक बार 1 है, 1 का टेबल पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद देख रहे हैं 8 है, 8 का टेबल लिख लेंगे, 8 टेबल तो याद ही होगा, यानी 8 1 8 8 2 16 9 3 24, तो इस तरह से आप 8 का टेबल लिख सकते हैं। यानी 8 का पार आपको पूरा लिखना है जितना होता है, 10 तक लेना है इस बार, तो आप किस तरह 8 दहमाष्टी हो गए, तो आप इसको प्लस करना है। अब की बार हम आपको प्लस करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये इस तरह प्लस करते जाएंगे, जैसे 6 हो गया और 2 1 3 हो गया, क्योंकि दहाई अंक इसमें, दहाई अंक उसमें ले जा करके आपको कैरी कर देना है, उसमें जोड़ देना है, और ये 4 3 2 कितना हो गया 5, और इस तरह से आप देख सकते हैं 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, 0 4 9, इस तरह से आप जोड़ते चले जाइएगा, आपको कोई भी टेबल हो बनता चला जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई का अंक यानी 1 का अंक आपको रखना है, और 10 का अंक जो है आपको ले जा करके उसमें कैरी करके फॉरवर्ड करके आपको ऐड कर देना है। इस तरह से आप कोई भी टेबल हो ओवर कर सकते हैं, कोई भी कंप्लीट टेबल आप चाहे जो भी हो कर सकते हैं, चाहे जो भी टेबल हो। जैसे हमने हार टेबल ले लेते हैं कोई, जैसे आपका 34 ले लिए, 34 अब देखेंगे कि इसमें 3 है 10th पर और 1 पर 4 है, तो अब 3 का हम टेबल लिख लेंगे, यानी 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, इस तरह से हमको करना है, पूरा टेबल हम 3 का कर देंगे, नहीं 3 9 30 तक हम टोटल लिख देंगे, क्योंकि आप काउंट कर लेंगे तो आपको 10 तक तो लिखना है नॉर्मली, तो 10 तक लिखना ही पड़ेगा। इस तरह से 9 27 3 9 30 पूरा कर दिए। अब 4 है, 4 का आपको टेबल लिखना है, 4 का टेबल तो जानते ही होंगे, 4 2 4 3 12, इस तरह से आप कर सकते हैं, 4 का टेबल लिख लीजिए, जैसे भी आपको हिंदी एंड अंग्रेजी कुछ भी याद हो उस तरह से आप पूरा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हिंदी में ही याद हो या इंग्लिश में ही याद हो, अपनी भाषा के अनुसार इसको कर सकते हैं, काम तो वही करना है। तो आपको बस वही विधा बनाना है जिसे इसमें था, ठीक है। आप दोनों का लेकिन टेबल कंप्लीट लिखिएगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तो हो जाएगा। आपको क्या करना है, इकाई का अंक रखना है, दाएँ तो है ही नहीं इसमें, तो टोटल लिख लीजिए 8 है जैसे, और तो इसको रखते ही जाएंगे। अब इसमें देखिए 2 है तो 9 1 10 हो गया, 6 है और ये 12 1 13, 0 15 2 कितना हो गया 17, सिंपल 4 और 18 2 20 हो जाएगा ना, 18 2 20 कर देंगे हम। इस तरह से आप 8 और 21 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, 2 उतारे और 24 3 कितना हो जाएगा 27। इस तरह से आप पूरा जोड़ सकते हैं, बस बहुत आसानी से ट्रिक है, आप इसको समझ लीजिए, बस दो बार ट्राई करिए, अभ्यास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक कॉन्फर्म, चाहे जो भी टेबल हो किसी का भी टेबल हो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए इस तरह का ट्रिक पाने के लिए। आपका टेबल Darali Techno Knowledge and Entertain presented by Sandosh Babu. Please subscribe the channel.